नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उन मरीजों के लिए जो होम आइसोलेशन में है। यदि आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके से कोविड के मरीजों की सीटी की बात की जा रही है। एक तो स्कोर, जो टोटल स्कोर बताया जा रहा है वो 25 है, तो 25 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है? यदि आपने HR सीटी टेस्ट कराया हुआ है तो उसमें स्कोर आपको कितना बताया गया है? अगर 25 में से 2, 3, 4, 5 या 6 आ रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5, 6 स्कोर 25 में से आ रहा है और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90 के ऊपर है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवश्यकता है कि हम फिर से 2-3 दिन बाद या 5 दिन बाद वापस सीटी चेस्ट करा करके देखें यदि आपको खांसी, बुखार या श्वास की परेशानी बनी हुई है तो। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसा परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट लंग आपका अफेक्टेड हो गया है। कुछ लोग 40%, 50%, 60%, 70% इस तरीके से बताते हैं मरीजों को। तो अगर आपका 60% से ऊपर लंग इन्फेक्टेड है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि शहरों में अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। अगर मरीज को बेड की आवश्यकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो उसको बेड ढूंढने में 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं। तो 2 से 3 दिन अगर आप घर में हैं और आपकी परेशानी बनी हुई है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका लंग का जो सिटी स्कोर है वो कितना है। अगर 5 से 10 के बीच में है तो एवरेज है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। 10 से 15 के बीच में है तो मॉडरेट है, और 15 से ऊपर है तो आप सीवियर की केस में आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज में बताया गया है कि 10 से 20% या 30% लंग इन्फेक्टेड है तो वो एवरेज है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और अगर उसके साथ आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम होता चला जा रहा है तो परेशानी और भी बढ़ती चली जा रही है। कई लोग हमसे होम्योपैथिक दवाई की डिमांड कर रहे हैं कि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ दीजिए। हम लोग भी आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार जो एलोपैथी का प्रोटोकॉल है उसी के साथ में ही होम्योपैथिक दवाई लेने की सलाह दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों को उसमें परेशानी में उनको राहत मिल रही है। कई लोगों के जो लंग के ये परेशानी थी, इन्फेक्शन रेट था, जो परसेंटेज था उसमें काफ़ी कमी देखी गई है। कई लोगों का जो ये ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल था उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई है। तो मैं आपसे यही बात साझा करने के लिए आज चाह रहा हूँ कि अगर आप घर में हैं, होम आइसोलेशन में हैं, आपको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो कितना आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर में हैं तो सभी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करें, इन्हेलेशन लें मतलब भाप लें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल है, और आप होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक दवाई से भी काफ़ी अच्छा लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। जब तक आप अस्पताल में नहीं पहुंच जाते हैं किसी भी आपके फैमिली फिजिशियन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं या फ़ोन करते हैं हम उनको सलाह देते हैं कि दिन में 4 बार का हमको ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बताते रहिए, और आपको श्वास की परेशानी तो नहीं हो रही है वो भी बताते रहिए। तो आपको घर में अगर है तो आपको 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो HR सीटी में कितना स्कोर है, या अगर परसेंटेज में आपको बताया गया है तो वो परसेंटेज, दूसरा ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, और तीसरा खांसी, बुखार या श्वास की परेशानी। अगर खांसी, बुखार और श्वास की परेशानी नहीं है, अगर HR सीटी में आपका स्कोर कम है या लंग में ये जो इन्फेक्शन है वो परसेंटेज वाइज कम है तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रेस से भी बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखने में आ रहा है कि घर के जितने भी सदस्य हैं, 4, 6, 10, 12, 15 सभी लोग इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। किसी को मेजर परेशानी है, किसी को माइनर है, तो जिसको मेजर है उसको ही बेड मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो सबके सब लोगों को बेड कैसे मिलेगा? तो यदि आप घर में हैं तो अपना खूब ख्याल रखिए, और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, HR सीटी का स्कोर और परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन का आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते रहिए, और हो सके तो 4-5 दिन बाद वापस सीटी स्कैन करा करके उसका कंफर्मेशन करिए कि पहले से जो आपका स्कोर था या रेट ऑफ इन्फेक्शन था वो पहले से कम हुआ है, जो निमोनिया थी वो कम हो गई है या बढ़ रही है या उतना ही है, उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो मेरी लोगों से यही सलाह है जो होम आइसोलेशन है में है,
खास करके वो अपना ध्यान रखें और आपके डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करते रहिए, उनसे संपर्क बनाए रहिए और होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करिए। होम्योपैथिक दवाइयाँ निमोनिया पे भी अच्छा काम कर रही हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए भी अच्छा काम करेंगी, आपकी कमजोरी और मानसिक जो स्ट्रेस है उसमें भी काफ़ी हेल्प करेंगी। आप हमको भी कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9826042287 या फिर 0731498928। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।